बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने कांस्टेंट्स की डिटेल्स आपसे शेयर की थी। आज के लेक्चर में हम डेटा टाइप्स को डिटेल में देखेंगे। लेकिन डियर फ्रेंड्स, डेटा टाइप से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डेटा। और ये देखिए, द सेट ऑफ इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा। यानी जब कभी भी हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई प्रोग्राम बनाते हैं, तो उस प्रोग्राम को बनाने के बाद हमें कोई ना कोई रिजल्ट मिलता है, कोई ना कोई आउटपुट मिलता है। उस आउटपुट को हासिल करने के लिए हमें जिन रिक्वायरमेंट्स की जरूरत होती है, वो रिक्वायरमेंट्स दरअसल कहलाती हैं डेटा। जैसे हम एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं, जो कि रिजल्ट के तौर पर हमें मल्टीप्लाई करके देगा, डिवाइड करके देगा, प्लस या फिर माइनस करके देगा। मगर वो ये तमाम ऑपरेशंस परफॉर्म किस पर करेगा? किसी भी दो नंबर्स पर। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ ये नंबर्स ही दरअसल कहलाएंगे डेटा। इसी तरह किसी भी सॉफ्टवेयर को बनाते वक्त आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है कि उस सॉफ्टवेयर में रिक्वायरमेंट्स किस किस्म के डेटा की है। आया उस सॉफ्टवेयर में आप नंबर्स पर काम करने जा रहे हैं, या अगर आपको अपना बायोडाटा प्रिंट करवाना है तो आपको ऐसे डेटा की जरूरत होगी जो कि नंबर्स, मल्टीपल कैरेक्टर्स और अल्फाबेट्स को एक साथ स्टोर कर सके। इसी तरह अगर आप अपने ग्रेड्स प्रिंट करवाना चाहते हैं तो आपको कैरेक्टर बेस्ड डाटा की जरूरत होगी। और अगर आप कोई फाइनेंस से रिलेटेड कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं तो आपको अशारिया नंबर यानी डेसिमल नंबर्स रिक्वायर्ड होंगे, विच मीन्स कि सॉफ्टवेयर की मुनासबत से उस सॉफ्टवेयर में किस किस्म का डाटा यूज होगा, सबसे पहले आपको वो डाटा डिजाइन करना होता है। और उस डाटा को डिजाइन करने में जो सबसे अहम किरदार होता है, वो होता है डेटा टाइप्स का। और दोस्तों ये देखिए, द डेटा टाइप्स स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ डेटा, स्पेस रिक्वायर्ड फॉर दैट डेटा एंड सेट ऑफ ऑपरेशंस अप्लाइड ऑन दैट डेटा। यानी डेटा टाइप के जरिए ना सिर्फ आप अपने प्रोग्राम में यूज किए जाने वाले डेटा की टाइप बताते हैं कि वो डेटा किस किस्म का है, बल्कि उस डेटा को मेमोरी में कितनी जगह चाहिए होगी, ये भी डेटा टाइप के जरिए ही बताया जाता है। कैसे, आइए देखते हैं। दोस्तों ये तो आप जानते ही हैं कि किसी भी सी के प्रोग्राम को प्रोसेस करवाने से पहले उसे मेन मेमोरी में लोड करवाना होता है। इसीलिए ऑपरेटिंग सिस्टम ये चाहता है कि उसे पता हो कि प्रोग्राम को मेमोरी में कितनी स्पेस चाहिए, ताकि उसी के अकॉर्डिंग वो प्रोग्राम को मेमोरी में स्पेस एलोकेट कर सके। और एक प्रोग्राम कितना छोटा है या कितना बड़ा है, ये डिसाइड करता है उस प्रोग्राम के दो मेन फैक्टर्स, उस प्रोग्राम में लाइन ऑफ कोड्स कितनी है, और दूसरा फैक्टर है कि उसमें वेरिएबल्स कितने यूज किए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना कि एक प्रोग्राम की स्पेस का तायुन उसमें इस्तेमाल होने वाले नंबर ऑफ वेरिएबल्स से होता है। क्योंकि दोस्तों वेरिएबल ही वो एलिमेंट्स हैं जहाँ पर हम अपने डेटा को स्टोर करवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमें ऑपरेटिंग सिस्टम को ये भी बताना पड़ेगा कि वेरिएबल में जो हम डेटा असाइन करने जा रहे हैं वो किस टाइप का होगा। कोई नंबर होगा जैसे 1, 2, 3, 4 वगैरह, कोई अल्फाबेट होगा जैसे कि ABCD, या कोई सेंटेंस वगैरह होगा। कि जिस टाइप का डेटा होगा, उस डेटा को मेमोरी में स्टोर करवाने के लिए हमें स्पेस भी अलग अलग किस्म की चाहिए होगी। जैसे ये आपके सामने दो बॉक्सेस हैं, एक में नाम रखा हुआ है और दूसरे में सिर्फ एक अल्फाबेट है। इसीलिए नाम का जो बॉक्स है वो बड़ा है अल्फाबेट के बॉक्स से। इसी तरह जिस किस्म का भी डेटा होगा, अगर डेटा ज्यादा बड़ा है तो उसे स्पेस ज्यादा रिक्वायर्ड होगी, और अगर डेटा कोई अल्फाबेट है तो उसे स्पेस कम रिक्वायर्ड होगी। तो डियर फ्रेंड्स, ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप क्या स्टोर करवाना चाहते हैं, तभी ऑपरेटिंग सिस्टम डिसाइड करेगा कि आपको कितनी जगह एलोकेट करनी चाहिए मेमोरी में। लेकिन ये सब चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम को पता कैसे चलेंगी? तो डियर फ्रेंड्स, ये तमाम चीजें ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएंगी आपकी डेटा टाइप्स। दोस्तों यानी जब कभी भी आप प्रोग्राम में वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे तो उस वेरिएबल नेम से पहले डेटा टाइप लिखेंगे, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि वेरिएबल में किस किस्म का डेटा स्टोर होने वाला है और उस डेटा को मेमोरी में कितनी स्पेस चाहिए। दोस्तों आमतौर पर डेटा टाइप्स दो तरह की होती है, स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स। दोस्तों ये इस तरह की डेटा टाइप्स होती हैं जो कि प्री डिफाइंड होती हैं। सी के डेवलपर्स ने इन्हें पहले ही डिफाइन किया होता है, बस आपको इनको यूज करना होता है। जिनमें
कुछ एग्जांपल्स में है, सबसे पहली है इंट डेटा टाइप, फिर फ्लोट, देन लॉन्ग, डबल एंड चार वगैरह। दोस्तों ये हमने कीवर्ड्स में भी देखी थी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्री डिफाइंड है, तो ये प्री डिफाइंड कीवर्ड्स के अंदर स्टोर हुई है। यहाँ पर आप इस तस्वीर में भी देख सकते हैं कि ये जो जितने भी कीवर्ड्स हैं उनमें से कुछ कीवर्ड जो है वो डेटा टाइप्स के लिए रखे गए हैं। इसके बाद जो दूसरी किस्म है डेटा टाइप्स की, वो कहलाती है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। दोस्तों यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स इस तरह की डेटा टाइप्स होती है जो कि यूजर खुद डिफाइन करता है, लेकिन अभी हमारा तमाम फोकस स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स पर होगा। तो डियर फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड डेटा टाइप्स में जो पहली डेटा टाइप है वो है इंटीजर डेटा टाइप। दोस्तों ये इसका सिंटैक्स देखिए, यानी जब कभी भी आप अपने वेरिएबल नेम से पहले इंट लिखेंगे तो ये इंट जो है ये कंपाइलर को बताएगा कि ये जो वेरिएबल है ये एक इंटीजर टाइप की वैल्यू को स्टोर करने वाला है, और इंटीजर से मुराद है यहाँ कोई भी नंबर जो कि डेसिमल के बगैर हो। वो नंबर पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है और नेगेटिव नंबर भी हो सकता है, और साथ के साथ ये भी बताएगा कि इस नंबर को मेमोरी में स्पेस कितनी चाहिए होगी, क्योंकि हम अभी इंट की बात कर रहे हैं तो इंट को आमतौर पर या तो 2 बाइट्स रिक्वायर्ड होती है मेमोरी में या फिर 4 बाइट्स, डिपेंडिंग अपॉन योर कंप्यूटर कि अगर आपका कंप्यूटर 16 बिट का है तो इंट 2 बाइट की स्पेस डिजर्व करेगा, और अगर 32 बिट या फिर 64 बिट का है तो इंट 4 बाइट की स्पेस डिजर्व करेगा। यानी अगर आपका कंप्यूटर जो है वो 16 बिट है और आप अपने वेरिएबल नेम से पहले इंट लिखते हैं, तो अब आपका जो ये इंट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को बताएगा कि इस वेरिएबल में 2 बाइट, इस वेरिएबल के लिए मेमोरी में 2 बाइट रिजर्व कर दें। यानी अगर आप लिखते हैं इंट ए इक्वल्स टू 10, तो यहाँ ए एक वेरिएबल है जिसकी डेटा टाइप है इंटीजर, और क्योंकि ये एक इंटीजर डेटा टाइप है इसीलिए आप इस वेरिएबल में सिर्फ नंबर्स ही असाइन कर सकते हैं, और इस नंबर को मेमोरी में स्टोर करने के लिए ये 4 बाइट यानी 32 बिट्स की स्पेस रिजर्व कर देगा। यानी आप एक 32 बिट तक के नंबर को इंट डेटा टाइप के जरिए मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ एक सवाल मेरे जहन में आया है कि 10 तो एक बहुत ही छोटा सा नंबर है, तो इतने छोटे से नंबर के लिए हम इतनी सारी स्पेस क्यों रिजर्व कर रहे हैं? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ हम 4 बाइट के बजाय 2 बाइट्स रिजर्व करवा दें ताकि मेमोरी की जो स्पेस है वो बच सके? तो डियर फ्रेंड्स ऐसा पॉसिबल है, और ऐसा पॉसिबल हुआ है क्वालिफायर्स के जरिए। दोस्तों इंटीजर डेटा टाइप दो तरह के क्वालिफायर्स को यूज करती है, साइज क्वालिफायर और साइन क्वालिफायर। और दोस्तों साइज क्वालिफायर के जरिए अगर आप इंट का नंबर तो स्टोर करना चाहते हैं लेकिन इंट में भी कोई छोटा नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं जैसे 128, 10, 55 वगैरह, तो आप कंप्यूटर को या सॉरी कंपाइलर को बताएंगे कि आप एक शॉर्ट इंट स्टोर करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह आप वेरिएबल से पहले अगर सिर्फ इंट लिखेंगे तो वो डायरेक्टली 4 बाइट की स्पेस रिजर्व कर देगा मेमोरी में, लेकिन अगर आप इंट से पहले शॉर्ट लिख देंगे तो अब आपका इंट मेमोरी में सिर्फ 2 बाइट्स ही रिजर्व कर सकेगा। इसी तरह दोस्तों अगर आप कोई बहुत बड़ा नंबर जो कि 32 बिट से भी ज्यादा बड़ा है यानी इंटीजर की लिमिट 4 बाइट है, तो अगर आप जो नंबर मेमोरी में स्टोर करवाना चाहते हैं वो 4 बाइट से भी ज्यादा बड़ा है यानी इंटीजर की लिमिट को भी क्रॉस कर रहा है, तो अब आप यहाँ कंपाइलर को बताएंगे कि आपको इंट की लिमिट से भी बड़ा नंबर स्टोर करना है, और इसको आप डिफाइन करेंगे लॉन्ग के क्वालिफायर के जरिए इस तरह से, और अब आपका इंट मेमोरी में 4 बाइट के बजाय 8 बाइट्स रिजर्व करेगा। इसी तरह आप जितना बड़ा नंबर चाहें मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं लॉन्ग के कीवर्ड के थ्रू। तो दोस्तों अगर आप बहुत बड़ा कोई नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप इंट से पहले लॉन्ग लिख देंगे, अगर आप कोई बहुत छोटा नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं तो आप इंट से पहले शॉर्ट लिख देंगे, और अगर आप कोई नॉर्मल नंबर स्टोर करवाना चाहते हैं तो वो आप इंट के वेरिएबल के थ्रू सॉरी इंट के कीवर्ड के थ्रू कर देंगे। तो दोस्तों ये जो हम तमाम अभी डिस्कशन कर रहे थे ये 32 या फिर 64 बिट के कंप्यूटर के लिए थी, लेकिन अगर आपका सिस्टम जो है वो 16 बिट का है तो 16 बिट के अंदर इंट जो है वो 2 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व करेगा, अगर आपने इंट से पहले शॉर्ट लिख दिया है तो वो भी 2 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व करेगा, और अगर आपने इंट से पहले लॉन्ग लिख दिया है तो वो 4 बाइट्स तक की मेमोरी को रिजर्व कर सकेगा। तो डियर फ्रेंड्स अब आपने साइज क्वालिफायर के जरिए कंपाइलर को ये तो बता दिया कि जो नंबर आप स्टोर करने जा रहे हैं उसका साइज क्या होगा,
जबकि यहाँ एक और क्वालिफायर यूज किया जाता है विच इज साइन क्वालिफायर। दोस्तों साइन क्वालिफायर के जरिए आप कंपाइलर को बताते हैं कि जो नंबर आप स्टोर करने जा रहे हैं उसका साइन क्या होगा, आया वो कोई पॉजिटिव नंबर होगा या फिर कोई नेगेटिव नंबर होगा। और साइन क्वालिफायर भी दो तरह के होते हैं, जो के जिसके अंदर साइन कीवर्ड यूज किया जाता है और अनसाइन कीवर्ड यूज किया जाता है। अगर आपने इंटीजर डेटा टाइप से पहले साइन लिख दिया है तो अब आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को मेमोरी में स्टोर करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपने इंटीजर डेटा टाइप से पहले अनसाइन लिख दिया है तो अब आप सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर को ही स्टोर करवा सकते हैं, नेगेटिव को आप स्टोर नहीं करवा सकते। और चाहे साइन इंटीजर हो या फिर अनसाइन इंटीजर हो, दोनों ही 4-4 बाइट्स की यही डाटा को स्टोर कर सकते हैं, लेकिन दोनों की रेंज अलग होगी। और दोस्तों यहाँ रेंज से क्या मुराद है, दोस्तों मान लें हम एक सेट बनाने जा रहे हैं और जिसको 0 से स्टार्ट होना है और वो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, तो वो सेट कुछ इस तरह से होगा। अब अगर मैं इस सेट की रेंज बनाना चाहती हूँ तो वो रेंज क्या होगी, दोस्तों रेंज का एक फॉर्मूला होता है मिनिमम नंबर टू मैक्सिमम नंबर। तो यहाँ मिनिमम नंबर है 0 और मैक्सिमम नंबर है 10, तो यहाँ दोस्तों इस सेट की रेंज बनेगी 0 to 10, क्योंकि इस सेट में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि 0 से छोटी है और कोई ऐसी वैल्यू नहीं है जो कि 10 से बड़ी हो। तो ये रेंज की डेफिनेशन होगी कि रेंज में हमेशा ये जो दो वैल्यूज होती हैं, हमेशा तमाम जो नंबर्स होंगे वो इन्हीं के दरमियान होने चाहिए, ना इस रेंज से बाहर नहीं जाने चाहिए। अब दोस्तों अगर हम साइन इंटीजर को देखें जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स ही यूज होते हैं, तो यहाँ रेंज निकालने के लिए एक फॉर्मूला यूज होता है। तो जो फर्स्ट थिंग उस फॉर्मूले की है वो है मिनिमम नंबर को निकालने की। और जाहिर सी बात है क्योंकि दोस्तों हम यहाँ पर मिनिमम नंबर निकालने जा रहे हैं और हम साइन इंटीजर की बात कर रहे हैं, तो साइन इंटीजर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज आती हैं, तो यहाँ पर मिनिमम नंबर शुरू होगा एक नेगेटिव वैल्यू से। इसीलिए आप ये मिनिमम नंबर का फॉर्मूला देखिए, यहाँ पर जो आपको सबसे पहले माइनस नजर आ रहा है ये बताएगा कंपाइलर को कि ये जो इसकी लिमिट में ये बताएगा कि ये जो नंबर है ये नेगेटिव नंबर होगा। फिर इसके बाद दोस्तों आपको नजर आ रहा है ये 2, तो दोस्तों क्योंकि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बिट्स के ऊपर कि आपका जो साइन क्वालिफायर है वो मेमोरी में कितनी बिट्स रिजर्व करता है, कितने बाइट्स रिजर्व करता है, तो दोस्तों आप जानते हैं कि बाइनरी नंबर सिस्टम्स के लिए जो हम वैल्यू यूज करते हैं वो है 2। तो ये 2 जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम्स का है। और यहाँ पर आपको पावर में नजर आ रहा है n, तो दोस्तों n यहाँ पर क्या है, ये है नंबर ऑफ बिट्स जो कि आपका साइन इंटीजर मेमोरी में स्टोर करने वाला है। तो अगर आपका इंटीजर 2 बाइट्स की मेमोरी रिजर्व कर रहा है तो यहाँ पर n जो होगा वो 2 बाइट्स, मीन 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स का होता है, तो 2 बाइट्स 16 बिट्स के होंगे, तो यहाँ पर n जो होगा वो हो जाएगा 16। लेकिन अगर आपका जो int है वो मेमोरी में 4 बाइट्स रिजर्व कर रहा है तो यहाँ पर n जो है ये हो जाएगा 32, विच मीन्स कि जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ बिट्स है वो यहाँ पर n जो है वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर n के बराबर में बिल्कुल नजर आ रहा होगा -1, तो दोस्तों साइन इंटीजर के अंदर क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो यहाँ पर हमें कंपाइलर को बताने की जरूरत होती है कि जो नंबर हमने स्टोर किया है वो नेगेटिव नंबर है या फिर पॉजिटिव नंबर है। तो ये बताने के लिए हम यहाँ पर एक बिट जो है वो रिजर्व कर देते हैं उस साइन के लिए। अगर वो साइन यानी अगर उस जो हमने बिट रिजर्व किया उसमें 0 होगा तो ये जो साइन होगा वो पॉजिटिव होगा, यानी जो आपने नंबर स्टोर करवाया ये एक पॉजिटिव नंबर होगा। लेकिन अगर उस बिट में 1 होगा तो आपका जो नंबर है, यानी कंपाइलर को ये बिट बताएगी कि आपका जो नंबर है वो एक नेगेटिव नंबर है। तो दोस्तों इसीलिए क्योंकि एक जो बिट है हमने वो रिजर्व की हुई है साइन के लिए, तो यहाँ पर हम टोटल नंबर ऑफ बिट्स में से एक बिट को माइनस कर देंगे, यानी अगर यहाँ पर 16 बिट्स हैं तो हम 16 माइनस 1 कर देंगे तो टोटल बिट्स जो हैं वो 15 हो जाएंगी, और अगर इसी तरह 32 बिट्स हैं तो ये हो जाएंगी 31 बिट्स। तो इसीलिए 2 बाइट के लिए अगर हम मिनिमम वैल्यू निकालें तो वो कुछ इस तरह से होगी। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले -2 लिखेंगे जो कि फॉर्मूला का है,
कि 2 बाइट है, तो 2 बाइट रिप्रेजेंट करता है 16 बिट्स को, 16 यहाँ पर हमने लिख दिया, और माइनस 1 इसीलिए क्योंकि साइंड इंटीजर के अंदर आपको ये बताना होता है कंपाइलर को कि आपकी जो आपका जो नंबर है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, तो इसीलिए हम इसमें से एक बिट को रिजर्व कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने 16 माइनस 1 कर दिया। उसके बाद हमने यहाँ पर प्लस 1 फॉर्मूले क्या लगाया, तो जब आप इसको फॉर्मूले इसको कैलकुलेटर के थ्रू परफॉर्म करेंगे तो यहाँ पर आंसर आएगा -32767। तो यहाँ पर एक 2 बाइट के साइंड इंटीजर की जो मिनिमम लिमिट है वो आएगी 32767, विच मींस कि आपका जो नंबर है, जो इंटीजर नंबर है, वो कभी भी इससे छोटा नहीं होना चाहिए। यानी अगर आप कभी स्टोर करने जा रहे हैं, आपने लिखा है अपने वेरिएबल को साइन इंट ए इक्वल्स टू -32765, तो अब आपका कंपाइलर एरर जनरेट करेगा क्योंकि आप लिमिट से बाहर जा रहे हैं। विच मीन्स के दोस्तों लिमिट बताने का मकसद ये है कि आपको पता हो कि आपको एक नंबर में कितनी वैल्यूज आप स्टोर। दोस्तों अब आपको ये तो पता लग गया कि एक 2 बाइट्स के साइन इंटीजर की मिनिमम लिमिट क्या होगी। अब बारी आती है मैक्सिमम लिमिट की, और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो स्क्रीन पर आपके सामने आपको नजर आ रहा है। दोस्तों यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिखा हुआ, क्योंकि साइन इंटीजर के अंदर जो मैक्सिमम नंबर होगा, जो सबसे बड़ा नंबर होगा, वो एक पॉजिटिव नंबर होगा। तो दोस्तों इसीलिए यहाँ पर हमने नेगेटिव साइन नहीं लगाया है। इसके बाद 2 जो है ये बाइनरी नंबर सिस्टम का है, क्योंकि बाइनरी नंबर सिस्टम की बेस 2 होती है। इसके बाद पावर के अंदर आपको n माइनस 1 नजर आ रहा है, और वो भी यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर जो एक बिट है वो रिजर्व्ड हुई है, रिजर्व्ड हो गई है साइन के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम इसके अंदर 2 बाइट्स की वैल्यू को पुट करें तो इसका आंसर कुछ इस तरह से होगा, 2 की पावर 16 माइनस 1 माइनस 1। तो यहाँ पर जो इसकी मैक्सिमम लिमिट आ रही है वो है 32767। तो दोस्तों यहाँ पर एक 2 बाइट के इंटीजर की रेंज होगी -32767 से +32767 तक। यानी अगर आपका साइन इंटीजर 2 बाइट्स की मेमोरी को रिजर्व करता है, तो अब आप उसमें -32767 से छोटा नंबर स्टोर नहीं कर सकते, और ना ही +32767 से बड़ा नंबर स्टोर करवा सकते हैं। और डियर फ्रेंड्स, ये तो हमने आपको 2 बाइट्स के साइन इंटीजर की रेंज निकालना सिखाई है, जबकि आप इस फॉर्मूला के थ्रू 2 बाइट्स, 4 बाइट्स, हत्ता के 8 बाइट्स तक के साइन इंटीजर की रेंज निकाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पर n की जगह नंबर ऑफ बिट्स लिखनी होगी। अगर तो 2 बाइट है तो यहाँ पर 16 होगा, अगर 4 बाइट है तो यहाँ पर 32 बिट होगा, एंड ऑनवर्ड्स। दोस्तों साइन इंटीजर के बाद बारी आती है अनसाइंड इंटीजर्स की। तो डियर फ्रेंड्स, साइन इंटीजर में क्योंकि हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज को स्टोर कर सकते थे, इसीलिए उसकी रेंज भी नेगेटिव से पॉजिटिव के दरमियान ही थी। लेकिन अनसाइंड में क्योंकि आप सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही स्टोर कर सकते हैं, इसीलिए यहाँ हमारी रेंज भी नेगेटिव नंबर्स के बजाय 0 से स्टार्ट होगी, और यहाँ सबसे छोटा नंबर हमारा 0 होगा। यानी मैक्सिमम वैल्यू तो हम फॉर्मूले से ही निकालेंगे, लेकिन मिनिमम वैल्यू यहाँ पर हमारी 0 ही होगी। तो दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो यहाँ पर फॉर्मूला यूज होगा वो आपके सामने है स्क्रीन पर। तो दोस्तों मैक्सिमम वैल्यू क्योंकि एक पॉजिटिव इंटीजर ही होगा, इसीलिए यहाँ पर माइनस वगैरह नहीं लगाया है, सिर्फ यहाँ पर 2 लगाया है, और 2 जो है वो बाइनरी नंबर सिस्टम का है। इसके बाद आपको पावर के ऊपर नजर आ रहा है सिर्फ n, यानी n के साथ कोई माइनस 1 नहीं है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आप नेगेटिव नंबर्स को शो ही नहीं करवा सकते, इसीलिए आपको किसी भी बिट को रिजर्व करने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि बिट को तो हम इसीलिए रिजर्व कर रहे थे ताकि कंपाइलर को बता सके कि जो नंबर हमने स्टोर किया है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव, जबकि अनसाइंड में तो हमें सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर n के अंदर आप किसी किस्म की कोई बिट को रिजर्व नहीं करेंगे, बल्कि जो टोटल नंबर ऑफ बिट्स होंगी वो डायरेक्टली यहाँ पर n की जगह आ जाएंगी। अब मान लें अगर आप 4 बाइट के इंटीजर को स्टोर करवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर n जो होगा वो 32 होगा, और यहाँ इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी 42949672296। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन इंटीजर क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज पर मुश्तमिल थे, इसीलिए वो तादाद में भी कम थे, जबकि यहाँ पर हमें टोटल नंबर ऑफ बिट्स मिल रही हैं और वो भी सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसकी मैक्सिमम लिमिट कितनी ज्यादा है बनिस्बत साइन इंटीजर्स के। तो यहाँ पर जो रेंज बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी,
0, क्योंकि 0 हमारा मिनिमम नंबर है और मैक्सिमम नंबर जो है वो ये है 49, 429, 496, 7296। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो लिमिट है ये 4 बाइट इंटीजर के लिए, लेकिन अगर हम 2 बाइट के इंटीजर के लिए बात करें तो यहाँ पर 2 बाइट के लिए यहाँ पर लिमिट होगी 2 की पावर n की जगह आ जाएगा 16, और माइनस 1 हम करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमम जो लिमिट आएगी वो आएगी 65536, और यहाँ पर रेंज बनेगी 0 टू आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो डियर फ्रेंड्स, डेटा टाइप्स के जरिए आप ना सिर्फ ये बता सकते हैं कि मेमोरी में आपका जो वेरिएबल है वो कितनी जगह रिजर्व करने वाला है, बल्कि आप उस नंबर्स की रेंज भी बता सकते हैं कि वो नंबर जो है आप स्टोर करना करने जो नंबर आप स्टोर करने जा रहे हैं वो कितना छोटा होना चाहिए और कितना बड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक टेबल भी आपको नजर आ रहा है जिसके अंदर अगर आपका इंटीजर जो है वो शॉर्ट है तो यहाँ पर वो 2 बाइट्स रिजर्व करेगा, और क्योंकि दोस्तों बाय डिफॉल्ट हमारा जो इंटीजर होता है वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों नंबर्स को ही अपने अंदर स्टोर करवा सकता है, तो इसीलिए यहाँ पर इसकी रेंज होगी -32768 to 32767। इसके बाद अनसाइंड शॉर्ट जो है, क्योंकि इसके अंदर आप सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर करवा सकते हैं, तो यहाँ पर आप 2 की पावर जो है वो 16 रखेंगे, इसीलिए यहाँ पर इसकी रेंज देखिए वो होगी 0 to 65535। और यहाँ पर दोस्तों आपको सामने ये परसेंट डी परसेंट यू नजर आ रहा है, तो ये क्या है दोस्तों, ये अभी आपको आगे जाके प्रोग्राम में भी नजर आ जाएंगे, यही वो फॉर्मेट स्पेसिफायर्स हैं जिनके जरिए हम अपनी वैल्यूज को प्रिंट करवा सकते हैं। तो अगर अनसाइंड शॉर्ट आपने एक वेरिएबल की टाइप ली है तो उसके लिए उसको प्रिंट करवाने के लिए जो आप स्पेसिफायर यूज करेंगे वो परसेंट यू यूज करेंगे। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप सिर्फ और सिर्फ इंट डेटा टाइप यूज कर रहे हैं और वो अगर 2 बाइट जो है वो रिजर्व कर रही है तो यहाँ पर उसकी रेंज ये होगी, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इंट है वो बाय डिफॉल्ट साइंड होता है, यानी वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज को यूज कर सकता है, तो अगर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों वैल्यूज हैं तो याद रखिए आपकी लिमिट कुछ इस तरह से होगी। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ आपका जो इंटीजर है वो पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर कर सकता है, वो अनसाइंड इंटीजर है, तो यहाँ पर उसकी जो मिनिमम लिमिट होगी वो हमेशा 0 होगी और मैक्सिमम लिमिट जो है वो आपकी बिट्स पर ही मुश्तमिल होगी। उसके बाद दोस्तों, अनसाइंड इंट के अंदर उसकी अनसाइंड इंट जो है उसकी रेंज होगी 0 to 65535, और लॉन्ग डेटा टाइप अगर वो 4 बाइट की है तो उसकी लिमिट होगी -21474836482+, और यही वैल्यू होगी। इस तरीके से अगर अनसाइंड लॉन्ग है तो अनसाइंड लॉन्ग जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही स्टोर करेगा, तो यहाँ पर इसकी रेंज 0 से हमेशा स्टार्ट होगी और 2 की पावर अगर आप 32 करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली इसकी रेंज आ जाएगी। तो दोस्तों, ये कुछ रेंजेस थी जो कि आपकी जो डेटा टाइप है वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है, और यहाँ पर हमने आपको ये भी बता दिया कि वो तमाम फॉर्मूलाज हमने आपको बता दिए कि जिनके थ्रू आप इन रेंजेस को अपने कैलकुलेटर्स के थ्रू भी निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कुछ डेटा टाइप्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम इन तमाम डेटा टाइप्स से रिलेटेड आपको प्रोग्राम्स बनाना सिखाएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।